नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बहुत लंबा चला चुनाव, बहुत थका देने वाला चुनाव और बहुत निर्मम चुनाव। निर्मम मैं इसलिए कह रहा हूं कि दर्जनों लोगों की मौत हो गई। चुनाव कराने के लिए मतदान ड्यूटी में आए थे और हीट वेव लगी और उनकी मौत हो गई। बड़ा दुर्भाग्य कि आजकल तो मौसम विभाग बता देता है कि कब कैसा मौसम है, तो चुनाव आयोग के लोगों ने क्या पहले देखा नहीं कि जून के इतना लंबा चुनाव खींचा गया, चलाया गया, तो क्या देखा नहीं कि तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोग हीट वेव से मर सकते हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही रही है चुनाव की। सबके अपने अपने दावे हैं। एनडीए कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन कह रहा है हम सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन ने बैठक कर ली। ये बीच में एग्जिट पोल है, क्या एग्जिट पोल सही निकलती हैं? दो तीन बातें हैं। कई बार कहा जाता है कि एग्जिट पोल सही निकलती हैं और कई बार कहा जाता है एग्जिट पोल गलत निकलती हैं। और जब गलत निकलती हैं तो कहा जाता है कि ये सट्टा बाजार का, सट्टा बढ़ाने का खेल है, ये शेयर मार्केट का खेल है और ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव का खेल है कि जिससे ये मैसेज जाए कि सरकार इनकी आ रही है, तो 10-20 सीटें ऐसी जो हों जिसमें प्रशासन हेरफेर कर सकता है। माना जाता है कि डीएम लोग हेरफेर कर सकते हैं, तो वो सत्ता पक्ष में खेमे में लाया जा सके। क्या है देश का माहौल? मैंने सोचा आज एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार से बात की जाए, एक ऐसे पत्रकार से जो पत्रकारिता के क्षेत्र में, विकिपीडिया में कहता हूं उनको, आज तक, राज्यसभा टीवी, दूरदर्शन, फिल्म, कई किताबें लिखी हैं, बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाई है उन्होंने। आप बिल्कुल समझे, सही समझे, मैं राजेश बादल की बात जी की बात कर रहा हूं। चलते हैं राजेश बादल जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है खेल चुनाव का। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। चुनाव खत्म हो गया और बहुत दुखदायी चुनाव रहा, बहुत दर्जनों अफसरों की, पुलिस कर्मियों की मौत हुई है इस अभियान में। एग्जिट पोल के अपने अपने दावे हैं, आप समझते हैं कि एग्जिट पोल की क्या खेल होती है, क्या कितना यकीन करना चाहिए, पहला सवाल मेरा आपसे ये है राजेश जी, और कितना यकीन नहीं करना चाहिए इन एग्जिट पोल पर? देखिए संजय भाई, एग्जिट पोल को एक विज्ञान है, और विज्ञान वो है कि अगर आप उसके सारे फॉर्मूले अगर सही लगाते हैं तो यकीनन वो सही परिणाम भी देता है। और हम लोगों ने वो दौर देखा है जब इस देश में एग्जिट पोल नहीं होते थे और तब हम टेलीविजन के पत्रकार होते थे, तो चार चार दिन तक विनोद दुआ और प्रणॉय राय की जो जोड़ी होती थी वो हम सारे देश को हिंदी और अंग्रेजी में चुनावों के परिणाम बताया करती थी। उससे पहले रुझान बताने की कोई व्यवस्था उस तरह से इस देश में नहीं थी। जब एग्जिट पोल या कुछ अनुमान किस तरफ जा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में मतदान अधिक हो रहा है या शहरी इलाकों में, फिर किस इलाके का रिप्रेजेंटेशन और चुनावी अतीत क्या कहता है, उसके आधार पर गणित लगाया जाने लगा। तो हमने देखा कि जब सैटेलाइट चैनलों का युग आया तब तक एक जो एग्जिट पोल का जो की जो एक, अब मैं उसको इंडस्ट्री ही कहूंगा क्योंकि अब तो इंडस्ट्री हो गई है, तो एग्जिट पोल इंडस्ट्री स्थापित नहीं हुई थी, लेकिन सैटेलाइट चैनल्स के आते आते इस तक बन गई। तो कुछ चुनावों में हमने देखा, शुरुआती चुनावों में जब ये लोग काम करते थे तो निश्चित रूप से इतने वैज्ञानिक ढंग से और परिपक्व अंदाज में काम करते थे, वो एक प्रोफेशनल मेथड था संजय जी, और मैं कह सकता हूं कि उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे हमने ये एक दौर ऐसा भी देखा कि जब एग्जिट पोल जो बोलते थे कई बार परिणाम उसके उलट आते थे। आपको मैं बताऊं कि 2004 जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब सारा देश ये कहता था कि फील गुड फील गुड फील गुड, एग्जिट पोल भी ये कह रहे थे, लेकिन नतीजा क्या निकला, यूपीए की सरकार बनी और 10 साल तक शान से चली। तो कहने का अर्थ ये है कि जो एग्जिट पोल बाद में कुछ अपनी धारा से भटक गए, अब उन कारणों का विवेचन करना इसलिए भी आवश्यक है कि आखिर भटके क्यों, एग्जिट पोल पर एक आम मतदाता कितना भरोसा करे। भरोसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे बीच के लोग हैं, हमारे बीच के पत्रकार साथी हैं, हमारे बीच के सारे जो मैदानी सर्वे करने वाले लोग हैं वो हैं, तो उन पर यकीन तो करना होता है।
लेकिन जब उनके एक के बाद एक लगातार रुझान या जो उनके अनुमान है वो सही नहीं निकलते, तब संदेह होने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इस प्रक्रिया में दोष है, और या फिर उनके काम करने में या उनके दोष है, उसमें कहीं कुछ गड़बड़ है। तो हमने ये पाया, मैं खुद इसलिए कि मैं एक चैनल का हेड था, संपादक था, और मैं आपको बताऊं कि एग्जिट पोल जब कुछ कराए गए थे तो हम लोगों ने देखा कि जब आए तो कुछ इलाकों में जहां मैं भी देश भर में घूमता हूं, और देखा कि मुझे लगा कि यार ये एग्जिट पोल इस इलाके का ऐसा तो नहीं हो सकता, और तब हमें संदेह हुआ। और जिस एजेंसी से हमने वो करार किया था, एग्रीमेंट किया था, तब हमने उनको अपनी शंका जाहिर की, उनसे हमने नमूने मंगाए, स्पेसिमेन मंगाए, कहां कहां आपके लोग गए, कैसे लोग गए और क्या हुआ। तो ये पाया गया संजय जी कि जो लोग वहां पे उन्होंने अपना सर्वे दिया वो वहां गए ही नहीं। जब हमने उन सीधे मतदाताओं से बात की तो पता चला कि वो गए ही नहीं, और उसका फिर हमें काफी लंबा एक बड़ा पेमेंट रोकना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं अपनी रुझान और अपनी दिलचस्पियां दाखिल हो गई जो सर्वे करने वाले लोग थे, एक चीज। दूसरा गणित ये निकला कि मेरे दो स्टूडेंट थे जिनको मैंने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था, तो वो एक ऐसी ही एक बड़ी प्रतिष्ठित, मैं नाम नहीं लूंगा, देश की जानी मानी सर्वे एजेंसी के साथ, एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी के साथ थी, काम करते थे। जब ये दोनों लौटे वहां से तो उन्होंने लौट करके अपनी जो रिपोर्ट दी, लेकिन बाद में जब वो ऑन एयर हुआ वो एनालिसिस, तब उन्होंने पाया कि जिस इलाके से वो गए थे, जिस इलाके में वो गए थे, उस इलाके की जो एनालिसिस है वो नहीं है जो वो सर्वे करके लाए थे। अब चूंकि मेरे छात्र रहे थे, हमने उनको पूरी तरह से प्रोफेशनलिज्म पढ़ाई थी, हमने उनको पूरी तरह से ईमानदारी से काम करना सिखाया था, तो उन्होंने कहा कि सर ये क्या करेंगे, तो हम इसको तो हम पचा नहीं पा रहे हैं। तो एक लड़का था, एक लड़की थी, तो उसमें से लड़की ने तो कहा बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं इलाहाबाद अपने घर चली जाऊं। देन शी रिजाइन, उसने इस्तीफा दे दिया। और जो दूसरा लड़का था वो कुछ महीने टिका, लेकिन उसके बाद उसने भी रिजाइन कर दिया। बाद में फिर हमने उसको राज्यसभा टीवी के साथ जोड़ा। तो ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने जो सवाल किया कि एग्जिट पोल कितने प्रतिष्ठित होते, लेकिन इन दो घटनाओं के बाद भी संजय भाई मैं कह सकता हूं कि जो बीते 10 साल हैं इसमें एक नया और तीसरा रूप हमने देखा है। आप मतलब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। हमने ये पाया कि जो सत्तारूढ़ दल है उसने चैनलों को जो सर्वे एग्जिट पोल प्रसारित करते हैं उनको प्रभावित करना शुरू कर दिया, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में या तो लाभ पहुंचाया या जो भी अन्य रूप हो सकते हैं उनका इस्तेमाल किया। और जो एग्जिट पोल करते थे वो एक एजेंसी, जो एजेंसियां होती थी वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती थी। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं, सब कुछ खोल करके कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने लगातार देखा कि जो चुनावों में जो चीजें आई उसने एग्जिट पोल करने वालों की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान और धक्का पहुंचाया। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे, एकाध एग्जिट पोल तथ्यों के साथ साथ चलते रहे और खड़े भी रहे और उन्होंने अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन अब जैसे मान लीजिए इस बार है 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में अगर आप सोचेंगे तो ये पाएंगे कि देखिए इतिहास रिकॉर्ड बनाएगा, इतिहास का रिकॉर्ड बनेगा अगर तीसरा चुनाव ये सरकार और ये दल जीतता है तो, यानी नेहरू जी के बराबर। और 3 बार से चुनाव आप जीत रहे हैं, जब नेहरू जी ने कमान संभाली तो ये देश मिट्टी का लौंदा था, अंग्रेज जाने किस हाल में छोड़ के गए थे और उनके पास उपलब्धियों का एक बड़ा खजाना भरा था। लेकिन पिछले 10 वर्षों का आप अगर देखते हैं तो तीसरे चुनाव में आप पाएंगे कि इनके पास उपलब्धियों का बड़ा शून्य है, विराट शून्य का बड़ा विराट आकार है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि एग्जिट पोल जो आएंगे वो कहीं ना कहीं परसेप्शन बनाने का काम भी करते हैं, और परसेप्शन ये कि जो बात 400 पार वाली बात आपको याद है कही गई थी शुरुआत में, वो इसलिए थी कि धारणा बना दी जाए पूरे देश में, परसेप्शन बना दिया जाए कि 400 पार। लेकिन
बाद में धीरे धीरे तीन चरणों के बाद तो हमने देखा कि 200 पार भी मुश्किल हो गया, 300, पहले 300 पर आए, 300 के बाद 272 पर आए, 272 के बाद अब 200 के आंकड़े को पार करने में मुश्किल हो रही है। तो एग्जिट पोल जो आएंगे आज, उसकी मैं बड़ी दिलचस्प तस्वीर देखता हूं कि जो एक वर्ग पत्रकारिता का ऐसा है जो ऐसे एग्जिट पोल से जुड़ा हुआ है, वो यकीनन 300 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को सीटें देने जा रहा है। और जो मैदानी, जैसे आप मैंने देखा है आपको कि आप केवल लखनऊ में नहीं बैठे रहते, आपने उत्तर प्रदेश ही नहीं कई राज्यों में घूम घूम के अपना एनालिसिस किया, तो जो 25 वर्षों का आपका अनुभव है, उस अनुभव को आपने आधार माना, तो आपके अनुभव को कोई चुनौती तो नहीं दे सकता। तो ऐसी सूरत में जो मैदानी लोग हैं वो ये पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार शायद 125, शायद 160, 150, 180, 90, 200, यानी थोड़ा सा बहुमत से मुश्किल है। लेकिन मैं दोनों ही स्थितियों में एक बात कहूंगा और एक उदाहरण के साथ फिर आपके अगले सवाल का इंतजार करूंगा कि देखिए, एक जमाने में पाकिस्तान जाती थी हमारी क्रिकेट टीम खेलने के लिए, या कोई भी क्रिकेट टीम जाती थी खेलने, तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 12 खिलाड़ियों के साथ खेलती है जिनमें 12वां खिलाड़ी अंपायर होता है, और अंपायर जो होता है वो 12वां खिलाड़ी होता है। तो हमारे यहाँ चुनाव आयोग इस बार उस 12वें खिलाड़ी की भूमिका निभा रहा है। अब ऐसी सूरत में किसी का आकलन कहां तक सच हो सकता है, ये बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया होगी। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक बीच में एक सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है राजेश जी की, आम लोगों का, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है लेकिन आम लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है। लोग सुबह से मेरे पास कई सारे फोन कर चुके हैं कि अगर 300 पार वाकई में आ जाती है तो ये मान लेना चाहिए कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। ये जो भरोसा है लोगों का, ये टूट रहा है और ये अभी भी ईवीएम पे लोग शक जाहिर कर रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? जाहिर सी बात है कि ये कोई बहुत संवैधानिक लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। और मैं केवल ईवीएम पर ही अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई हैं जो चुनाव आयोग को संदेह के दायरे में ले आती हैं। संजय जी, हमने देखा कि चुनाव आयोग ने खुल्लम खुल्ला आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए सत्तारूढ़ दल को देखा और एक नोटिस तक जारी नहीं किया। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो प्रतिपक्ष है, जिसका डेमोक्रेसी में उतना ही महत्व है जितना सरकार का है, सरकार से ज्यादा महत्व बीजेपी प्रतिपक्ष का नहीं हो सकता, लेकिन सरकार से कम भी नहीं हो सकता। तो पक्ष और प्रतिपक्ष, लेकिन हमने देखा कि प्रतिपक्ष को किस तरह से चुनाव आयोग ने व्यवहार किया। हमने ये देखा कि चुनाव आयोग ने जो मैदानी प्रक्रिया की, बनारस के उदाहरण आपके सामने है, भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो नोबडी कैन स्टॉप, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रोका गया कि नहीं रोका गया, हमने देखा। हमने देखा कि मैदान में इस बार जितना धन बल इस्तेमाल हुआ है उतना आज तक, मतलब मेरे 48 वर्षों के पत्रकारिता के जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। तो अगर मान लीजिए, ईवीएम को छोड़ दीजिए, आप केवल यही देख लीजिए कि धन कितना बरामद हुआ, पिछले सारे चुनाव का आंकड़ा आप ले लीजिए, जब्ती कितने की हुई, कितने की शराब जब्त हुई, कितने की उपहार जब्त हुए, कितने की नकदी जब्त हुई, ये सारी चीजें देखिए। और फिर ये मानिए कि जो जब्त हुई है वो 10% से टोटल जो खर्च हुआ उसका 10% है। मैं कह सकता हूं, मुझे लोगों ने बताया है कि पर एक वोट के हिसाब से एक परिवार को एक्स अमाउंट दिया गया। तो अब ये जब सारी चीजें हों तो चुनाव आयोग क्या देख रहा था? तो चुनाव आयोग का मतलब केवल ईवीएम पर हम संदेह की सुई नहीं उठा सकते, ईवीएम के अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। जी, एक सवाल और कि प्रधानमंत्री ने जो जो बोला, कांग्रेस के संविधान में कहीं दूर दूर तक नहीं था कि मुसलमानों को वो छीन के हक किसी का मुसलमानों को दे देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला।
फिर भाषा की मर्यादा इस हद तक गिरती चली गई, तुम्हारी भैंस कोल के ले जाएंगे, तुम्हारी बकरी कोल के ले जाएंगे, तुम्हारा मीम बनने लगे कि तुम्हारे दूध में नहीं मुड़ी छोड़ जाएंगे, तुम्हारा अखबार उठा के ले जाएंगे। फिर बाद में प्रधानमंत्री जी मुजरे तक आ गए कि जी देश के प्रधानमंत्री को आपने इतनी सतही बातें, इतनी खराब बातें, आपने तो तीन तीन चार चार प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू किए हैं, तमाम दर्जनों आपने चुनाव कवर किए राजेश जी, क्या किसी प्रधानमंत्री को इतना निचले स्तर पर जाके बातचीत करते हुए देखा कभी आपने पहले? जी मेरी जिंदगी में तो मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए मैंने तो नहीं देखा, ना मैंने सुना, ना मैंने कहीं कोई मेरे ध्यान में आता है कि कोई ऐसा उदाहरण हुआ हो। हाँ, कुछ अपवाद हर दौर में एक दो लोग रहते हैं जो कुछ उस तरह के उदाहरण, कुछ उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर स्तर के नहीं। हर पार्टी में दो चार लोग तो आप जानते हैं होते ही हैं। जैसे 77 को मैं याद करूं तो रायबरेली से जब राजनारायण जी चुनाव लड़ रहे थे तो राजनारायण जी ने भी क्या भाषा का इस्तेमाल किया था। हमें याद है जब 2004 का इलेक्शन हुआ था तो प्रमोद महाजन जी उस वक्त हुआ करते थे, तो क्या भाषा का इस्तेमाल हुआ सोनिया गांधी और उनको लेकर के। हमें याद है कि 89 में जब जो लोग, आधे से ज्यादा लोग उस वक्त भी कांग्रेस छोड़ के गए थे और जो लोग थे प्रतिपक्ष में, उन लोगों ने राजीव गांधी के लिए क्या नहीं भाषा बोली। और मनमोहन सिंह के लिए तो हम सब गवाह हैं कि इन्हीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं बोला, रेनकोट पहनकर नहाते हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो चीजें हैं, कई बार मैं आपको बताऊं, अगर ये चुटकुलेबाज हो, कोई मजमा आपको इकट्ठा करना हो तो ठीक है, लोग हंसेंगे, ताली बजाएंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन माफ कीजिए, जब एक गंभीर लोकतांत्रिक अनुष्ठान की बात होती है तो उस अनुष्ठान में मुझे लगता है कि ये भाषा बिल्कुल भी नहीं चलती। और ये आपको आपको आईना तब दिखाती है जब आप सत्ता में नहीं रहते, और जो लोग प्रतिपक्ष में है वो कल सत्ता में आएंगे तो आपके साथ इससे भी गंदा व्यवहार कर सकते हैं, तब क्या होगा। मैं उस लोकतंत्र के भविष्य के उस रूप को लेकर के आशंकित हूं। जी राजेश जी, एग्जिट पोल के अलावा आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें ला पाएगी? देखिए, एग्जिट पोल जो बात कहें, कहने हम उनको पूरी आजादी है उनको, लेकिन दो तथ्यों पर मेरी जो विश्लेषण है मेरा वो आधारित है। पहला तथ्य ये है कि मोदी जी नेहरू नहीं है, इसलिए तीसरा कार्यकाल आसानी से मिलना तो संभव नहीं है। दूसरा ये है कि देखिए, उपलब्धियां उनके पास क्या हैं। तीसरे कार्यकाल का जब वो मार्कशीट लिखेंगे तो उसमें एक बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट है। डबल इंजन की सरकारें कई राज्यों में हैं और डबल इंजन की सरकारों ने क्या बिहेव किया है अपनी डेमोक्रेसी में, के डेमोक्रेटिक रूल में, अवाम के साथ, मतदाताओं के साथ, जनता के साथ जो व्यवहार किया है वो इस बात का कि अनुमति भारतीय जनता पार्टी को नहीं देती कि वो तीसरा कार्यकाल प्राप्त करे। एक बात, दो बात तो ये हो गई। तीसरी बात यह है कि आपने पूछा संख्या, संख्या में मैदानी गणित तो ये कहता है कि 210 के आसपास भारतीय जनता पार्टी का अधिकतम शिखर बिंदु अगर है तो 210 के आसपास है, और अगर इससे ज्यादा है तो माफ कीजिए, वो मैं बार बार हर बार कहता हूं कि मुझे इस चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं है। अब एक एक भारत के आजाद नागरिक के नाते में ये धारणा बनाने के लिए स्वतंत्र हूं, तो 210 के आसपास भारतीय जनता पार्टी है, जाहिर है कि फिर ऐसे में उनके जो बाकी सहयोगी हैं उन्हें कम से कम वो आंकड़ा लाना पड़ेगा, यानी 70-75 लोग जुटाना पड़ेंगे, 65-60-70-75 वो कहां से आएंगे, एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी एक आखिरी सवाल राजेश जी, आपको क्या लगता है देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, मैं आपको कह सकता हूं कि देश का जो प्रधानमंत्री बनेगा उसमें दो बातें हैं। पहली बात तो हमारे और आपके दिल की बात है
कि वो भारत के संविधान का आदर करता हो, वो इस देश के हर निवासी की इज्जत करता हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी श्रेणी का हो। तो प्रधानमंत्री जब आप, क्योंकि वो शपथ लेता है, तो मैं एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में कल्पना करूंगा, अगर पक्ष से ऐसी कोई बात आती है कि मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में सरकार बनाने में सक्षम होती है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से नितिन गडकरी बहुत अच्छा नाम है। उन्होंने कभी भी संवैधानिक दायरे से ऊपर जाकर के अमर्यादित, अश्लील और अभद्र ना तो भाषा का इस्तेमाल किया ना आचरण व्यवहार किया। तो ऐसे में नितिन गडकरी एक, मुझे लगता है कि बीजेपी की ओर से एक बहुत अच्छे सर्वानुमत प्रत्याशी हो सकते हैं उस स्थिति में, जबकि उनके सहयोगी दल भी उनके ऊपर दांव लगाना चाहेंगे, क्योंकि उनको फिर तब तो दूसरे दलों की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाएगी ना कि वो किसको चाहते हैं। तो 72 सांसदों का अगर समर्थन चाहिए आपको तो कितने किसके लिए वो जाएंगे। और अगर कांग्रेस में है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का तो मैं 77 से देखता हूं नाम, कभी भी चेहरा जैसे बीजेपी ने चेहरा किया है, चेहरा कभी आगे नहीं आया। क्या आपने कभी सोचा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर होंगे, सरकार बन रही थी? क्या आपने कभी सोचा था कि डॉक्टर प्रोफेसर नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? कभी नहीं। भारत की आजादी के साथ एक और भी दिलचस्प समीकरण है, आप कभी देखिएगा। मैं आपको बताता हूं कि जब जब जिस दौर में, एक आध इक्का दुक्का अपवाद छोड़ दीजिए, जब जब जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए सोचा गया कि यार ये बहुत सक्षम और काबिल है, वो प्राइम मिनिस्टर, उसको अवसर बहुत कम मिला, ना के बराबर, उसका नाम ही नहीं आया। तो ये गणित है, क्योंकि चूंकि इंडिया कुनबे में भी कई लोग हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे एक सर्वानुमत नाम हो सकता है, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के शिखर नेता हो सकते हैं, ममता बनर्जी भी हो सकती हैं अगर वो थोड़ा सा अपना रवैया ठीक रखती हैं। तो राहुल गांधी को लेके मुझे बार बार लगता है कि अगर पूर्ण बहुमत कांग्रेस को नहीं मिलेगा, जो कि थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन पूर्ण बहुमत अगर मिलेगा तभी राहुल गांधी का नाम आएगा, अन्यथा शायद राहुल गांधी पर्दे के पीछे से नायक की भूमिका निभाएं। अभी कांग्रेस पार्टी को अपना संगठन बहुत मजबूत करना है। तो ये स्थिति है कुल मिलाकर के एक ठीक ठाक सी तस्वीर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी का समय देने के लिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये थे राजेश बादल जी और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देश की राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी। जाहिर है 4 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। थैंक यू, शुक्रिया।